मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं देहरादून जिला भाग 3। इससे पहले मैंने भाग पहला और भाग दूसरा अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो दोनों भाग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो दोनों भाग देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें देहरादून से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए थे। और आज हम पढ़ेंगे देहरादून भाग 3। इसमें हम जानेंगे देहरादून से संबंधित जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, और साथ में पढ़ेंगे हम ऋषिकेश के बारे में और साथ में मसूरी के बारे में। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है युगवाणी, पर्वतजन, उत्तराखंड दर्शन और धात पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से होता है। युगवाणी, पर्वतजन, उत्तराखंड दर्शन और धात पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से होता है। और धात पत्रिका का प्रकाशन 2001 में लोकेश नवानी जी द्वारा किया गया था। सबके सब पॉइंट उत्तराखंड के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद है पूछा गया क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 में देहरादून में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 2002 में देहरादून में हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पंजाबी अकादमी की स्थापना 2014-15 में देहरादून में हुई, क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम में ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पंजाबी अकादमी की स्थापना 2014-15 में देहरादून में हुई। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में प्रथम डाक टिकट 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया। तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम डाक टिकट 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया। मैंने भारतीय सर्वेक्षण विभाग पढ़ा दिया है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय 1942 से देहरादून में है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय कहाँ है, तो देहरादून में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है, तो देहरादून में है। लेकिन 1938 में जब इसकी स्थापना हुई थी इसका नाम था इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। क्या था? इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। और 1987 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कर दिया गया। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में है। पूछा जा सकता है कि राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है, तो देहरादून में है। नेक्स्ट, राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला यानी देहरादून में है। तो राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, देहरादून में। नेक्स्ट, सर्वाधिक अति सघन वन, तो सर्वाधिक अति सघन वन उत्तराखंड में सर्वप्रथम जिला है आपका नैनीताल, और सेकंड नंबर में आता है आपका देहरादून। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो सेकंड स्थान अति सघन वन में किसका है, देहरादून का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गढ़वाली पत्रिका और रंत के बार गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन देहरादून से 1988 से हो रहा है। कब से? 1988 से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आसन वेटलैंड संरक्षण, तो आसन वेटलैंड संरक्षण राज्य का पहला वेटलैंड संरक्षण है। सीधे पूछा जा सकता है राज्य का पहला वेटलैंड संरक्षण का नाम, तो आसन वेटलैंड संरक्षण। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 2005 में हुई। और आसन वेटलैंड संरक्षण कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है तो फ्यूचर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद है आपका आसन बैराज डाक पत्थर, तो आसन बैराज डाक पत्थर कब बना, 1967 में बना, और कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय लघु उद्योग की स्थापना देहरादून में हुई है, तो भारतीय लघु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है, देहरादून में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, देहरादून के मंदारम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है देहरादून के मंदारम एवं बारकोट क्षेत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो देहरादून के मंदारम और बारकोट क्षेत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, दून घाटी में टर्शरी प्रकार की मृदा मिलती है। पूछा जा सकता है देहरादून में कौन सी प्रकार की मृदा है, तो आप क्या बोलोगे, टर्शरी, ठीक हो गया। इसके बाद है चोरों की गुफा देहरादून में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्य का पहला वार मेमोरियल चीड़बाग दून में है।
पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ है, तो देहरादून के चीड़बाग में स्थित है। इसके बाद है देहरादून में तार सेवा 1865 में प्रारंभ हुई भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं उत्तराखंड। तो देहरादून में तार सेवा कब प्रारंभ हुई, 1865। देहरादून में तार सेवा कब प्रारंभ हुई, 1865। इसके बाद नेक्स्ट है देहरादून किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देहरादून संगमरमर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट लाइन है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन 1984 में देहरादून में हुआ और देहरादून में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। दोस्तों अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऋषिकेश के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ऋषिकेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मसूरी के बारे में। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए आपको मैं बताता हूँ ऋषिकेश के बारे में। तो हमारा ऋषिकेश को हम केदारखंड में क्या कहते थे, कुब्जामृग कहते थे। पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऋषिकेश को केदारखंड में कहते थे हम कुब्जामृग, और आम की अधिकता के कारण इसका नाम कुब्जामृग पड़ा, ये एक हमारा एक लोकमत है। उसके बाद है वीरभद्रपुर, ऋषिकेश का पुराना नाम क्या है, वीरभद्रपुर। संत नगरी किसका उपनाम है, ऋषिकेश का। सांगो की जगह किसका उपनाम है, ऋषिकेश का। चार धाम का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, ऋषिकेश को कहते हैं। और गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार भी ऋषिकेश को कहते हैं। और योग की वैश्विक राजधानी भी हम लोग ऋषिकेश को कहते हैं। सब ये ऋषिकेश से संबंधित जुड़े हुए बिंदु थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद देखिए स्कंद पुराण में उल्लेख है कि रैम्य नामक ऋषि ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि रैम्य नामक ऋषि ने इस स्थान पर तप किया, जो क्या थे, कुबड़े थे, और उनके नाम पर ही इसका नामकरण क्या हुआ था, कुब्जामृग हो गया था। एक लोकमत ये भी है हमारा, और साथ साथ आम की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम केदारखंड में कुब्जामृग पड़ा, एक लोकमत हमारा ये भी है। कोई भी प्रश्न पूछे आप आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो ऋषिकेश से जुड़ा हुआ है, ऋषिकेश गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऋषिकेश गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है शिवपुरी नामक स्थान ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि जो शिवपुरी नामक स्थान है किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है कश्मीर राजा ललितादित्य मुक्तपीठ ने यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण किया था, कहाँ, ऋषिकेश में। इसके बाद हमारे ऋषिकेश के दर्शनीय स्थल पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा भरत मंदिर। तो भरत मंदिर कहाँ स्थित है, हमारा ऋषिकेश में स्थित है। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, भरत मंदिर है, और यह त्रिवेणी घाट के पास है। 1398 में इसको तैमूर द्वारा नष्ट किया गया था। पूछा जा सकता है कि भरत मंदिर को किस। नेक्स्ट है आपका शिवानंद आश्रम, तो शिवानंद आश्रम कहाँ है, ऋषिकेश में स्थित है, और इसकी स्थापना 1936 में स्वामी शिवानंद जी द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं आप। इसके बाद है लक्ष्मण झूला, तो लक्ष्मण झूला जो पुराना वाला था 1889 में कलकत्ता के सेठ सूरजमल ने उसका निर्माण किया था, लेकिन वह 1924 में बह गया था। उसके बाद 1930 कहीं कहीं पे किताबों में 1930 दिया है और किसी में 1939 दिया है, तो मैंने दोनों लिख रखा है। तो 1930/1939 में नया लक्ष्मण झूला बनाया गया जो वर्तमान में है, और इसकी हाइट कितनी है, 22 मीटर इसकी हाइट है और 140 मीटर ये लंबा है। इसके बाद कैलाश निकेतन मंदिर, ये हमारा कहाँ स्थित है, ऋषिकेश में। इसके बाद एक आपका कुटिया, तो पूछा जा सकता है कुटिया कहाँ स्थित है, तो ऋषिकेश में स्थित है। ये स्वर्गाश्रम के पास महर्षि योगी जी द्वारा 1967 में बनाई गई थी। इसके बाद है आपका शिवानंद झूला, तो शिवानंद झूला का अन्य नाम क्या है, राम झूला, क्या है, राम झूला, और ये स्वर्गाश्रम के पास गंगा नदी पर स्थित है। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है मुनि की रेती, तो पूछा जाएगा मुनि की रेती कहाँ स्थित है, ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर स्थित है और टिहरी जिले में गंगा के दाएं तट पर स्थित है। जा सकता है कि मुनि की रेती कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा के दाहिने तरफ स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अयप्पा मंदिर, अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऋषिकेश में स्थित है।
नेक्स्ट है ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर तीन नदियों का संगम माना जाता है। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि त्रिवेणी घाट कहाँ स्थित है, तो ऋषिकेश में। नेक्स्ट है स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में स्थित है, तो स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में स्थित है और इसकी स्थापना किसने कर रखी है, स्वामी विशुद्धानंद जी ने कर रखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ पॉइंट जो हमारे देहरादून से छूट गए थे, थोड़े से पॉइंट है, प्लीज देख लीजिएगा। आपका है आसन बैराज, तो आसन बैराज हिमाचल सीमा पर यमुना व आसन नदी पर स्थित है। पूछा जा सकता है आसन बैराज किस नदी पर स्थित है, तो यमुना व आसन नदी पर। 1967 में कार्य आरंभ हुआ और प्रवासी पक्षियों का घर कहा जाता है, तो प्रवासी पक्षियों का घर किसे कहा जाता है, आसन बैराज को कहा जाता है। 2005 में देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ था, आसन बैराज। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमारे देहरादून का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक आता है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जिसका बदला हुआ नाम क्या है, अटल बिहारी एयरपोर्ट, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी वाजपेयी, इनके नाम पर, तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट या अटल बिहारी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। मसूरी का नामकरण कैसे हुआ, तो मसूरी का नामकरण मंसूर व मसूरी नामक पौधे की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम मसूरी पड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप समझ गए होंगे। दूसरा है आपका इसमें पॉइंट उपनाम, तो मसूरी का उपनाम क्या है, पर्वतों की रानी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पर्वतों की रानी किसका उपनाम है, आप बोलोगे मसूरी का। दूसरा पॉइंट है इसमें गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, तो गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो मसूरी को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मसूरी का संस्थापक कौन था, तो मसूरी का संस्थापक कौन था, कैप्टन यंग था। कौन था, कैप्टन यंग, और 1824-25 में इसने मसूरी की खोज करी थी। और ये क्या था, आयरिश ऑफिसर था। अगर आपसे पूछा जाएगा मसूरी की खोज किसने करी, तो आयरिश ऑफिसर कैप्टन यंग द्वारा 1824-25 में मसूरी की खोज की गई थी। और बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने यहाँ की भूमि को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ की भूमि को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के लिए पट्टे पर ले लिया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मसूरी को 80 वर्ष के लिए पट्टे पर किसने लिया था, अंग्रेजों ने लिया था, और किस शासक से लिया था, तो सुदर्शन शाह से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट 1827 में यहाँ की पहली इमारत मलिंगार होटल बनी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मसूरी की पहली होटल कौन, तो मलिंगार होटल कब बनी, तो 1827 में। नेक्स्ट पॉइंट है जो 1827 में हुआ, तो 1827 में ही कंपनी ने लंढौर में ब्रिटिश छावनी की स्थापना करी। पूछा जा सकता है कि मसूरी में लंढौर में ब्रिटिश छावनी की स्थापना कब हुई, तो 1827 में। नेक्स्ट है 1832, तो 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया। क्या किया, सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया, कब करा, 1832 में। किसने करा, तो कर्नल एवरेस्ट द्वारा किया गया। और कर्नल एवरेस्ट को हम क्या कहते हैं, कंपास वाला आदमी, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर कर्नल एवरेस्ट को क्या कहते हैं, तो कंपास वाला आदमी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1835, तो 1835 में जॉन मैकिनन ने प्रथम मसूरी सेमिनरी स्कूल की स्थापना करी। तो 1835 में जॉन मैकिनन ने प्रथम मसूरी सेमिनरी की स्थापना करी। यूके में समाचार पत्र की नींव डालने वाला व्यक्ति जॉन मैकिनन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समाचार पत्र का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आप उसमें इसको और विस्तारपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो उत्तराखंड में समाचार पत्र की नींव डालने वाला व्यक्ति कौन, जॉन मैकिनन। अब देखिए 1836 में मसूरी में पहला चर्च बना, और किसने बनाया, कैप्टन रेली टेलर द्वारा। अब है 1842 में मसूरी एक नगर पालिका बनी। क्या बनी, नगर पालिका। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन है, तो आप क्या बोलोगे, मसूरी नगर पालिका। अब है आपका 1843 आपसे पूछा जाएगा राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका, आप क्या बोलोगे, मसूरी नगर पालिका। कब, 1842 में। इसके बाद है 1843 में क्या हुआ, मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना हुई।
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? 1843 में। इसके बाद 1843 में क्या हुआ, मैकिनन ने, जॉन मैकिनन ने द हिल्स नामक समाचार पत्र की नींव डाली। इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा द हिल्स नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, तो जॉन मैकिनन के द्वारा, और स्थान बताइए तो आप क्या बोलोगे, मसूरी। क्या बोलोगे, मसूरी, और भाषा अंग्रेजी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जॉन मैकिनन को ही उत्तराखंड में समाचार पत्र का जनक कहा जाता है। इसके बाद देखिए एवरेस्ट पार्क, तो एवरेस्ट पार्क कहाँ स्थित है, मसूरी में स्थित है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा 1832-33 में जब वो मसूरी आए और वहां हाथी पाव नामक जगह पर एक उन्होंने क्या डाला, डेरा डाला, और वहीं पर उन्होंने एवरेस्ट पार्क की स्थापना करी। अगर आपसे पूछा जाएगा एवरेस्ट पार्क कहाँ स्थित है, मसूरी, एवरेस्ट पार्क की स्थापना किसने करी, जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा 1832-33 में। और जॉर्ज एवरेस्ट को भारत में भूगणितीय सर्वेक्षण की नींव रखने का श्रेय भी दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मसूरी वन्य जीव विहार। तो मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई, 1993, और राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार तो मसूरी वन्य जीव विहार। अगर आपने वन्य जीव विहार नहीं पढ़े उत्तराखंड के, तो आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाके वो सब वीडियो देख सकते हैं। मैंने डायग्राम के माध्यम से उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क सब करा दिए हैं। अब यहाँ क्या है, मसूरी वन्य जीव विहार में माउंटेन क्वेल यानी पहाड़ी बटेर के लिए बहुत फेमस है आपका मसूरी वन्य जीव विहार। अब नेक्स्ट पॉइंट है कैम्प्टी फॉल। तो कैम्प्टी फॉल क्या है, मसूरी से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना, 17 किलोमीटर की दूरी पर। और नेक्स्ट पॉइंट है ज्वालाजी मंदिर मसूरी में स्थित है। आपको पता है कि उत्तराखंड के पेपर में पूछ लिया जाता है कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ज्वालाजी मंदिर कहाँ स्थित है, मसूरी में स्थित है। कहाँ, मसूरी में। इसके बाद है हैप्पी वैली और लेक मिस्ट पर्यटक स्थल मसूरी में स्थित है। कौन, हैप्पी वैली और लेक मिस्ट पर्यटक स्थल मसूरी में स्थित है। नाग देवता का मंदिर मसूरी में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है मसूरी झील। मसूरी झील कहाँ स्थित है, मसूरी और देहरादून मार्ग पर मसूरी झील स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है मसूरी की सबसे ऊंची चोटी। तो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है लाल टिब्बा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो क्या है, गगन हिल पहाड़ी। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाल टिब्बा पहाड़ी कहाँ स्थित है, मसूरी में। गगन हिल पहाड़ी कहाँ स्थित है, मसूरी में। नेक्स्ट पॉइंट है हाडी व भट्टा फॉल, मौसी फॉल मसूरी में स्थित है। सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा मौसी फॉल या भट्टा फॉल या हाडी फॉल कहाँ स्थित है, आप क्या बोलोगे, मसूरी में स्थित है। ऐसे ही मौसी फॉल किस नदी पर स्थित है, तो वाल्दी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लंढौर बाजार जो मसूरी का सबसे पुराना बाजार कहलाता है, लंढौर बाजार व कुल्लड़ी बाजार मसूरी में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जा रहे हैं आजकल। नेक्स्ट है वुड स्टॉक स्कूल की स्थापना 1901 में हुई। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है वुड स्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है, तो मसूरी में। स्थापना 1901। मसूरी में म्यूनसिपल गार्डन, क्या, म्यूनसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन का निर्माण फॉकनर लॉगी ने किया था। सीधे पूछा जा सकता है कि म्यूनसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन का निर्माण किसने किया, तो फॉकनर लॉगी ने किया। और आज़ादी से पहले इसका नाम क्या था, बॉटनिकल गार्डन। क्या था, बॉटनिकल गार्डन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है, मसूरी में। स्थापना किसने करी, फॉकनर लॉगी ने करी। नेक्स्ट है सितंबर 2009 से मसूरी नगर पालिका द्वारा इको टैक्स लिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मसूरी द्वारा इको टैक्स कब से लिया जा रहा है, सितंबर 2009 से। नेक्स्ट पॉइंट है भद्राज मंदिर मसूरी में स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि टेंपल पूछ ले रहा है। और ज्वालाजी मंदिर कहाँ स्थित है, मसूरी में स्थित है। और किस पहाड़ी पर स्थित है, तो बिनोंग पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर, बिनोंग। इसके बाद है सुरकंडा देवी का मंदिर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि टेम्पल से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो सुरकंडा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, मसूरी में स्थित है। तो इसी के साथ हमारे मसूरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर समाप्त होते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया देहरादून से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, साथ में ऋषिकेश और मसूरी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तराखंड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा टॉपिक और हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।